इंडियन व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआ होंगे। लेजी व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त मूली के पराठे बनाने बताएंगे, आप सब इसकी शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास ये तकरीबन 3 kg की 3 बहुत अच्छी और बहुत ही कच्ची, कोई अंदर से ये पकी नहीं हुई और बहुत अच्छी सी फ्रेश हमारे पास यहाँ पर मूलियाँ हैं और यहाँ पर ये इनके फ्रेश पत्ते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरह से पीला करके कद्दूकश करेंगे और किस तरह से हम मूलियों का मसाला तैयार करेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मूलियाँ मैंने यहाँ पे कद्दूकश कर ली हैं इस तरह से, और अब हम इसके अंदर मूलियों के पत्ते जो मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट के वॉश किए हुए थे वो भी इसमें ऐड करते हैं। ये देखें इस तरह से, ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे मूलियों में। अब हम इसमें कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे, सब देखेंगे आप इसमें हम कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे। 1 teaspoon में यहाँ पे टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, और 1 teaspoon ही मैं यहाँ पे ड्राई कोरिएंडर डाल रही हूँ, सूखा धनिया इस तरह से। ये मूलियों के हम जी पराठों की तैयारी कर रहे हैं। और 1.5 teaspoon मैं यहाँ पे रेड चिली ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा सा स्पाइसी सा चाहिए। और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 teaspoon सूखा धनिया, साबुत धनिया डाल रही हूँ, ड्राई कोरिएंडर। 1 teaspoon में यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 pinch कलौंजी डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे स्पाइसेस यहाँ पे ले लिए हैं, अभी मैंने अच्छा सा मिक्स करी। 1 teaspoon में इसमें पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप इसमें ज़ायका ले लीजिएगा जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा सा मूलियों को प्रेस करके अच्छा सा इनको नचोड़ के इनके अंदर से इनका पानी निकाल दिया था, उसे मिक्स कर दिया था। और फिर मेरा मसाला काफ़ी कम रह गया था तो मैंने दोबारा से नमक इसमें चेक किया और इसको दोबारा से सेट किया। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें रेड चिलीज़ मैंने और ऐड कर दी थी। इस तरह से अब हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 पेड़े लिए हैं छोटे छोटे से, और इन्हें मैं इनकी रोटियाँ पे लूँगी। और आप देखते रहिए जी। तो व्यूअर्स, आप देखते हैं यहाँ पर हम जल्दी जल्दी 2 रोटियाँ इस तरह से बेल लेंगे। वेरी इजी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ़ायदेमंद पूरी की बनती है। ये देखें, एक हमारे पास रेडी होती है, उसमें हम रेडी करने जा रहे हैं इस तरह से। जी तो भी ऐसा देखते हैं हम मूलियों के पराठे तैयार कर रहे हैं रोटी बेल के। मैंने इस तरह से अंदर मूली का मसाला इसमें बड़ा अच्छे से लगा दूंगी पूरा इस तरह से। इसे अच्छी तरह से आपको निचोड़ लेना है ताकि मूलियों का काफ़ी सारा पानी है जो निकल आता है। तो इस तरह से अब हम इसके पराठे रेडी करेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारे मूलियों के पराठे बनने जा रहे हैं इस तरह से। चलें जी, अब हम यहाँ पे दूसरी रोटी जो हमने बेली हुई थी उसे लेंगे, उसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगा के प्रेस कर देंगे इसको एजिस से इसके किनारे, ताकि हमारा जो मसाला है वो बाहर ना आए इस तरह से। चलिए जी, अब हम इसे इस तरह से तवे पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवा मेरा पहले प्री हीटेड है इस तरह से। अब मैं इस पे ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, फर्स्ट ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब देख लीजिए इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी इस तरह से। फिर मुझे हम इसे अच्छा सा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। इस तरह से
हल्का सा कलर हो जाएगा इस तरह से, ये देखें। चलिए जी, अब मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमारा पराठा अच्छा सा आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बनाना है, ताकि अंदर हमारी जो मूलियाँ हैं वो भी बहुत अच्छे से इसमें टेंडर हो जाए और मर्ज हो जाए आटे के साथ, और बहुत अच्छे से ये ऊपर से भी इसका आटा जो है वो पक जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं इसके एजेस जो हैं वो कितने अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, और बहुत मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी होने जा रहा है। और जब इस तरह से हो जाए तो आप इस तरह से ये चीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारा पराठा अंदर तक जो है वो रेडी हो जाता है, स्टीम भी जाती है। ये देखें इस तरह से इसकी ये लुक हो जाएगी। ये देखें इस तरह से आप देख रहे हैं पराठा हमारा ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, सुनहर पानी ही। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा पराठा यहाँ पे रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे जब खोलेंगे थोड़ा सा तो, और इसे आप रायते के साथ या केचप के साथ जिस तरह से भी आपका दिल करे आप इसे ले सकते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे मूलियों का पराठा, क्योंकि ये मैंने ये इसलिए टूट रहा है, एक तो खस्ता है और दूसरा ये देखिए मैंने इसमें जो कट्स लगाए थे उसकी वजह से अंदर स्टीम आई। ज़बरदस्त हमारा मूलियों का पराठा रेडी, देखिए धुआंधार ज़बरदस्त लगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जज़ाक अल्लाह खैर। देख रहे हैं पराठा हमारा ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा पराठा यहाँ पे रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे जब खोलेंगे थोड़ा सा तो, और इसे आप रायते के साथ या केचप के साथ जिस तरह से भी आपका दिल करे आप इसे ले सकते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे मूलियों का पराठा, क्योंकि ये मैंने ये इसलिए टूट रहा है, एक तो खस्ता है और दूसरा ये देखें मैंने इसमें जो कट्स लगाए थे उसकी वजह से अंदर स्टीम आई। और ज़बरदस्त हमारा मूलियों का पराठा रेडी, देखें धुआंधार ज़बरदस्त जायका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। सब देख रहे हैं पराठा हमारा ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा पराठा यहाँ पे रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे जब खोलेंगे थोड़ा सा तो, और इसे आप रायते के साथ या केचप के साथ जिस तरह से भी आपका दिल करे आप इसे ले सकते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे मूलियों का पराठा, क्योंकि ये मैंने ये इसलिए टूट रहा है, एक तो खस्ता है और दूसरा ये देखिए मैंने इसमें जो कट्स लगाए थे उसकी वजह से अंदर स्टीम आई। ज़बरदस्त हमारा मूलियों का पराठा रेडी, देखिए धुआंधार ज़बरदस्त जायका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अच्छी नई रेसिपी के साथ। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। सब देखते हैं पराठा हमारा ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा पराठा यहाँ पे रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे जब खोलेंगे थोड़ा सा तो, और इसे आप रायते के साथ या केचप के साथ जिस तरह से भी आपका दिल करे आप इसे ले सकते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे मूलियों का पराठा, क्योंकि ये मैंने ये इसलिए टूट रहा है, एक तो खस्ता है और दूसरा ये देखें मैंने इसमें जो कट्स लगाए थे उसकी वजह से अंदर स्टीम आई। और ज़बरदस्त हमारा मूलियों का पराठा रेडी, देखें धुआंधार ज़बरदस्त जायका। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।